बिजली की दरों को बढ़ाने वाली सरकार को आज 440 वाट का झटका लगा है। सुभाष खैरिया जी की दमदार उपस्थिति हमारे शेखावटी की राजनीति में रही है। उनका अपने परिवार में पुनः आना, रामदेव सिंह जी के विचारों को हम लेखों में पढ़ते हैं, पीआर मीना, जीएल मीना, सीआर मीना और नौजवान नरसी का आज भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ना, कांग्रेस को लात मारना, ये कांग्रेस के बिखराव का एक संकेत है। उसमें जब कांग्रेस 5 सितारा होटल में अपने विधायकों को संगीनों का पहनों में रख रही थी, तब कांग्रेस के विधायक मन मसोस कर रह गए थे, पर अब इस डूबते हुए जहाज से समझदार लोगों ने किनारा करना प्रारंभ कर लिया है। और मैं समझता हूं कि कुछ कांग्रेस में रहकर जन संघर्ष यात्रा के माध्यम से इस सरकार को ललकार रहे हैं। इस कांग्रेस का विघटन का सूत्र आज इस ज्वाइनिंग के साथ बो दिया गया है। और आने वाले समय में जिस तरह पहले लिखा करते थे टीबी का रोगी बताओ 10,000 रुपए इनाम पाओ, कांग्रेस का विधायक बताओ और 1,00,000 रुपए इनाम पाओ, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। और इस सब में हम सहयोगी रहेंगे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जिन आपके नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं के साथ अपने आप को जोड़ा है, नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के कारण से जो आज कांग्रेस के उस भ्रष्टाचार के तांडव से विमुख होकर आए हैं, सांप्रदायिकता की भट्टी में जलते हुए राजस्थान को देखकर कुपित होकर आए हैं, और आप सब लोग साक्षी बने हैं। अभी आप इस बैठक के बाद में गांव-गांव में जाएंगे, गांव-गांव में अनेकों लोग ऐसे हैं जो पिछली बार किसान कर्जे की माफी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर और लोक लुभावनी बातों के नाम पर कांग्रेस की ओर से गुमराह हो गए थे, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। मैं तो हमारे प्रभारी जी को कहूंगा, प्रभारी जी गांव में अगर खड़े होकर चौपाल पर हम कहेंगे आओ बताओ इस कांग्रेस के कौन लात मारकर बीजेपी में आ रहा है, तो लाइन लग जाएगी। हमें ये ज्वाइनिंग का काम को विकेंद्रीकृत करना पड़ेगा, इतने लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं इस मौके पर लंबी बात नहीं कहते हुए, ये बदलाव की राजनीति है राजस्थान के अंदर, और इस बदलाव की राजस्थान की राजनीति में हमें कांग्रेस के मंत्रियों के उस व्यक्तित्व को जो उन्होंने फॉर्चूनर जीते लोगों को जीतने के लिए कहा, अब उसको और छोटा करके सिपाही वाहन में जितने आ सकते हैं उतने ही कांग्रेस के लोग जीते, इस संकल्प के साथ जाएं। पुनः मैं सुभाष जी आपका अभिनंदन, रामदेव जी, पी आर मीणा साहब, जी एल मीणा साहब, सी आर साहब और नरसिंह जी आपका इस परिवार में अभिनंदन। हम सब लोग सही काम करेंगे, खंडक की लड़ाई लड़ेंगे, पदों की लड़ाई लड़ने के मकसद के साथ। आप कोई नहीं आए, मुझे प्रसन्नता इस बात की है, सब लोगों ने ऐलान किया कि अरुण सिंह जी एक साधारण कार्यकर्ता की जिम्मेवारी दे देना, सुभाष जी ने कहा पन्ना प्रमुख की जिम्मेवारी दे देना, हम कंगूरे में नहीं नींव का पत्थर बनने आए हैं, तो नींव के पत्थरों का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत।